आप घर पे ही रह के अपने चेहरे को गोरा चिकटा बेदाग कर सकते हो, अपने चेहरे का सारा कालापन दूर कर सकते हो, चेहरे पे दाग धब्बों को खत्म कर सकते हो, सारा मैल को काट के आपका चेहरा एकदम ग्लोई हो जाएगा, बहुत ज्यादा निखार आएगा। और सामने वाला जब देखेगा तो यही सोचेगा, भाई ये तो हर हफ्ते पार्लर का चक्कर लगाती रहती है, तभी चेहरे पे इतना ग्लो है, इतना निखार है। लेकिन जो असलियत है वो तो हम ही लोग जानते हैं कि घर पे ही रह के हम अपने चेहरे को बहुत ही अच्छे से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए, पार्लर के बिना चक्कर लगाए हुए, और बिना सर्दियों में पार्लर जाके उसमें मोटी मोटे पैसे खर्च करके। सिर्फ आपको हम दो स्टेप यहाँ पे बताएंगे, इन दो स्टेप से क्या होगा, ना ही आपके चेहरे का कालापन दूर होगा, आपके चेहरे पे दाग धब्बे खत्म होंगे, आपके चेहरे का मैल खत्म होगा, आपके चेहरे की रंगत निखरेगी, आपके चेहरे पर अगर टैनिंग हो गई है वो खत्म होगा, और साथ में आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा निखार आएगा। सिर्फ ये दो स्टेप आपको करने हैं, हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप कर लेते हो, पूरी सर्दी आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लोई रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा, बहुत ही ज्यादा प्लम्पी रहेगा। भाई मेरी पहचान है बहुत ही सिंपल और सरल नुस्खे देने की, होते जो वीडियो होती है वो सीधा आपके दिल पे जाके लगती है कि हाँ भाई ये बहुत सिंपल नुस्खा है, इसको हम करेंगे, इसको लगाएंगे, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलता है, तब तो आप सब हमसे कनेक्ट हो पाते हो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा, और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरी बेटी है वो 15 साल की है, 10 साल की है, क्या वो ये रेमेडी लगा सकती है? तो बहनों, 15 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, 15 साल के हो आप वो तो लगा सकते हो, 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, हर एज ग्रुप के लोग ये वाली रेमेडी लगा सकते हैं, ये वाला घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, और इसको लड़का और लड़की दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे में ना लड़कियों से ज्यादा लड़कों के कमेंट आते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, और साथ में मैं बीच में आपको एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव बात बताऊंगी जो अक्सर मेरे चैनल पे कमेंट आता रहता है, तो बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आज हम करेंगे दही से। देखिए दही जो होता है ना वो हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है इन सर्दियों में, बल्कि ये जो रेमेडी आप सर्दी गर्मी हर स्किन टाइप वाले लोग कर सकते हो, हर सीजन में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमको ले लेना है एक बाउल, ठीक है फ्रेंड्स? बाउल में हमको कोई भी आप बाउल ले लीजिए अपना। यार आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि क्या यार ये वाला बाउल देख देख के आप लोग बोर हो चुके हो, तो फिर हम नया बाउल लेके आए मार्केट से, क्योंकि हमको यहाँ बोरियत होने लगी अब यही वाला बाउल बार बार दिखा दिखा के। तो यहाँ पे हमको लेना है 1 चम्मच दही। दही में होता है विटामिन सी, लैक्टिक एसिड, ये हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से निखारता है, चेहरे के सारे मैल गंदगी को निकालता है, अगर ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, साथ में हमारे स्किन की जो झाइयां झुर्रियां फाइन लाइन है उसको खत्म करता है, डेड स्किन को निकालता है। साथ में यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी चीनी, स्क्रबिंग करनी है ना हमको, तो चीनी से अच्छा पॉलिशिंग स्क्रबिंग कुछ है ही नहीं। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी चीनी लेनी है, उसको हल्के से मिक्स कर देना है जिससे कि ये हल्की सी मेल्ट हो जाए। वैसे यार दोस्तों बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है, और दही चीनी तो सब लोग खाते हैं ना, अच्छे काम के लिए जाते हैं, तो मम्मी लोग देती है ना कि चलो भाई दही चीनी खा लो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, तो चलिए अब इसको खाना नहीं लगाना है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद ये चीनी हल्की सी मेल्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब हमको करनी है स्क्रबिंग। तो देखिए पहला स्टेप जो होता है वो क्लींजिंग, तो हम अपने चेहरे को क्लीन करके बैठे हैं तो आप भी अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे इसकी स्क्रबिंग। इसके लिए हमको ये लेना है दही। दही खट्टा गाढ़ा होना चाहिए, चाहे घर का हो चाहे मार्केट का हो, और इसको हल्के हल्के हाथों से हमको अपने चेहरे पे करनी है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट तक। जब आप अपने चेहरे पे आप इसको लगाओगे ना तो आपको दरदरापन महसूस होगा, तो उस दरदरेपन को आपको अच्छे से बहुत हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है, रगड़िएगा नहीं वरना चीनी का कट भी लग सकता है। तो बस थोड़ी थोड़ी बातों को आपको ध्यान देना है, और आपको इसको करनी है मसाज। मसाज कितनी देर तक करनी है दोस्तों, तो बता चुकी है सिर्फ 2 मिनट तक। तो इस तरीके से आपको स्क्रबिंग करते जाना है, करते जाना है, और स्क्रबिंग करने के बाद आपकी स्किन देखना कितनी अच्छी हो जाएगी, पॉलिशिंग हो जाएगी, और साथ में क्या ग्लो लेके आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे चेहरे पे कर लेनी है हल्की हल्की स्क्रबिंग। डेड स्किन निकालेगा ये, आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स हमने पूरे 2 मिनट तक अपने चेहरे पे कर ली है अच्छे से स्क्रबिंग, डेड स्किन मेरी निकल गई है। अब हमको बनाना है दूसरा स्टेप और फेस पे लगाना है।
तो इसके लिए हमको चाहिए 1 चम्मच दही। तो वो जो दही हमने स्क्रबिंग के लिए यूज किया था उसी में हम ले लेंगे। तो इसमें हम लेंगे 1 चम्मच दही। दही होता है लैक्टिक एसिड, विटामिन सी, जो हमारे चेहरे के लिए यार वरदान है। आप पूरी सर्दी खाली दही, शहद या नींबू मिला के लगाइए ना, आप देखिए आपकी स्किन क्या कमाल करेगी भाई साहब, क्या लश्कारे मारेगी। ओए होए। इसके बाद हमको लेना है 1 ही चम्मच गेहूं का आटा। अब गेहूं का आटा तो हर घर में होगा, है ना, कितनी इजी रेमेडी। फटाफट बनाइए, फटाफट लगाइए और रिजल्ट देखिए, कितने सालों की जमी हुई मैल ना आपकी अभी इसी वक्त निकल जाएगी और चेहरा आपका 1 to 2 टोन फेयर हो जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो ये हमने 1 चम्मच पहले से ही निकाल के रखा है फ्रेंड्स, तो इसको हम इसमें डाल देंगे अपने पैक में। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो हम डालेंगे टमाटर। देखिए आटे में होता है अल्फा आर्बिट्रिन, ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करता है, हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। साथ में हम लेंगे टमाटर, टमाटर में होता है लाइकोपीन, जो हमें स्किन के दाग धब्बों पे बहुत अच्छा सा वर्क करता है। हमारे चेहरे के सारे पिंपल्स के दाग हैं, अगर मुहासों के दाग हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको खत्म करके स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेता है। तो इसका हमको अच्छे से जूस निकाल लेना है, ले लेना है, और साथ में ये बीजा भी आ रहा है यार। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसका जूस निकाल लेना है। और अब हमको इन तीनों चीजों को करनी है अच्छे से मिक्सिंग और एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मिक्सिंग करते समय की दही हमें थोड़ी सी कम लग रही है, तो कोई इशू नहीं है यार, आप दही और मिला सकते हो। मेरी दादी ये लगाती थी और दोस्तों इतनी अच्छी उनकी स्किन रहती थी कि हम बता नहीं सकते, इतनी स्किन स्मूथ रहती थी उनकी, कभी उन्होंने साबुन फेस वॉश का तो यूज किया ही नहीं। अच्छा, ये आप जरूरी नहीं कि आप अपने चेहरे पे ही लगाओ, आप अपने हाथों में, पैरों में, घुटनों में, कहीं भी लगा सकते हो, आपको पूरा उसका कालापन निकल जाएगा, आपके घुटनों का, आपके हाथों का, पैरों का, है ना, और स्किन आपकी ओहो क्या लाजवाब होने वाली है। तो चलिए अब हमको इसको लेना है और लगा लेना है अपने पूरे फेस पे, अच्छे से लगा लेना है। अगर ये आपको ज्यादा बन जाता है तो आप इसको रख सकते हो, सिर्फ एक दिन के लिए रखना, जैसे आज आपने बनाया ना, वैसे कोशिश करना दोस्तों कि यार इसको आप लगा के यूज ही कर लेना, अपने हाथों में, पैरों में लगा लेना। नहाने से पहले आप जा रहे हो तो बाथरूम में लिए जाओ, अपने हाथों और पैरों में लगा लो। अब चूंकि हम नहा के वीडियो शूट कर रहे हैं तो लगाना पॉसिबल नहीं है, हम तो कल ही यूज कर लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों इतना मेरा बच गया है, आप अपने बच्चों के भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा है जो आपकी स्किन को नुकसान करेगा, आपके फेस को नुकसान करेगा। और इसको आप हफ्ते में 3 दिन लगाइए और आप देखिए क्या आपको इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा यार, कि बड़े बड़े फेशियल फेल हो जाते हैं। और वैसे भी मेरी रेमेडीज यार बहुत ज्यादा ईजी होती है। अब कल हम इसको नहाने से पहले लगाएंगे तो अपने हाथों पैरों में भी लगा लेंगे। तो इसकी करनी है आपको मसाज। मसाज कितनी देर तक करनी है? मसाज आपको करनी है 10 से 15 मिनट तक। जो फेशियल वाले स्टेप्स होते हैं उसी तरीके से आपको मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, है ना, आपके जो जितने आपकी स्किन पे डेड स्किन है वो निकलेगी, चेहरा अच्छे से माइल्ड एक्सफोलिएट होगा। जैसे बाजार के मिलते हैं ना तो उसमें अखरोट का होता है, ये सब होता है ना, तो वो थोड़ा सा डर भी लगता है, तो लेकिन ये इतना माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा कि कहने ही क्या, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि उनका जो बेटा है 10 साल का है, उसके भी डैंड्रफ है, उसके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं। तो सिमरन डियर आपके लिए है कि आप अपने बेटे को आंवले पाउडर में थोड़ा सा दही मिला के आप अगर लगाएंगे, और साथ में थोड़ा सा उसमें अगर आप आंवला रीठा शिकाकाई का भी अगर पाउडर है उसको भी लगा के, आंवला रीठा शिकाकाई आंवले का जो पाउडर होता है उसको पानी में मिक्स करिए, थोड़ा सा दही मिलाइए और थोड़ा सा लेमन जूस मिला के अपने बेटे के बालों में लगाइए, 3 से 4 घंटे तक लगा रहने दीजिए और उसके बाद धो दीजिए। देखिए आपके बेटे के बालों की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म होने लगेगी। अभी सर्दी आप चाहो तो अभी मत करो, गर्मियों में आप ये रेमेडी लगा सकते हो। तो चलिए इसको हमें अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद इसको आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है। आप जितना अच्छा मसाज करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम मसाज करके और उसके बाद आपको धोने के बाद आपको रिजल्ट बताते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, हम अपने चेहरे को वॉश करके आ गए हैं और मेरा चेहरा यार मतलब खुद फील हो रहा है इतना ज्यादा साफ सुथरा। देखिए मेरी लिपस्टिक भी हल्की हो गई है ना, इतना ज्यादा साफ लग रहा है, क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार मतलब गंदगी निकल गई, वो फील आ रहा है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे? फ्रेंड्स होती है स्किन पे प्रॉब्लम, किसके नहीं होती है, होती है। कोई बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनके कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए यहां पे मेरे एक छोटा सा पैच बन गया है ना, अब जो थोड़ा सा लाइट हो गया। ये पैच मेरा बना था मतलब लगभग हो गए 1 महीना, जब हम जयपुर गए थे घूमने तो वहां पे बहुत भयंकर सन टैनिंग हो गई थी, बल्कि हमने लगाया था, सब कुछ लगाया था, बट फिर भी हो गई, क्या किया जाए, कुछ चीजों से हम नहीं लड़ सकते, हो गई तो हो गई। अब जो हो गई उसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखिएगा और आपके सामने ही यही सब रेमिडीज लगा के ही हम अपने इस पैच को ठीक कर देंगे, ये मेरा एक चैलेंज है। तो इसी तरीके से अगर आपकी भी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यार घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ऐसी होम रेमेडीज करनी, नहीं तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लो, बाहर के जो होते हैं उसको भी आप लगाओ, मतलब बड़ो केमिकल बेस्ड होते हैं, उसके साथ साथ आप अगर ये होम रेमेडीज भी करोगे ना तो आपकी जो इफेक्ट होता है ना, जो स्किन को आपको हार्म पहुंचाता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर सकते हो। अच्छा इसके बाद देखिए मैं ग्लो देखिए यार कितना चेहरा मेरा साफ हो गया है। अच्छा आपकी कोई भी अगर रिक्वेस्ट है या कोई भी क्यूरी है या कोई चीज आप स्किन से रिलेटेड पूछना चाहते हो यार, आप कमेंट सेशन में आप जरूर पूछिएगा, हम जल्द से जल्द वैसा ही वीडियो लेके आएंगे। और इसको लगाने के बाद आपको अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, लॉक करने के लिए आपको कोई भी मॉइस्चराइजर है, सीरम है, नहीं तो एलोवेरा जेल ही आप लगा लीजिए, बहुत है। स्किन को हमेशा मॉइस्चर रखिए, अगर आपकी स्किन हमेशा नमी रहेगी, स्किन में बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, तो रिंकल्स और फाइन लाइंस आपके घर के दरवाजे, आपकी स्किन के दरवाजा देर से खटखटाएंगे, वरना बहुत जल्दी नक 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 होगा। तो देखिए क्या ग्लो आया है। तो दोस्तों अभी तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट नहीं करते आजकल, बिल्कुल कमेंट नहीं आते हैं यार, कमेंट करो तभी तो हम लोग इंटरेक्ट होंगे, और यार लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार, और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इफेक्टिव रेमेडी के साथ, जो आपके चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।